का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम जुबिलेंट फूड स्टॉक्स का रिव्यू करेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, मोमेंटम क्या है अभी स्टॉक्स में, किस प्राइस लेवल के बाद आप इसको बाय कर सकते हैं और कब आप इसको सेल कर सकते हैं, इस स्टॉक को सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले शॉर्ट टर्म ट्रेंड देख लेते हैं। देखिए ये हाई जो बनाया, ये हाई इससे लो बना है, ये भी हाई इससे लो बना है, तो लोअर हाई बन रहा है। यहाँ पर जो हाई बना है इससे लो बना, और फिर अगर लो देखें तो ये जो लो बना इस लो से ऊपर बना है, मतलब ये जो नेक्स्ट लो बना है वो नीचे बन रहा है। ये भी लो इससे नीचे बना, फिर ये लो इससे नीचे बना, ये लो इससे नीचे बना, तो लगातार जो लोअर लो बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है, मतलब स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पर आकर के स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये कंसोलिडेशन जोन है डाउन ट्रेंड के बाद, तो ये कंसोलिडेशन जोन है स्टॉक्स का। इस जोन को अगर ऊपर के साइड ब्रेक करेगा तो स्टॉक बुलिश होगा, अगर फिर से इसको डाउन साइड ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक बेयरिश हो जाएगा। अब इस कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक्स जो है वो सप्लाई के पास है या डिमांड जोन के पास है, ये देख लेते हैं। तो ये सप्लाई जोन है स्टॉक्स का, ये स्टॉक्स जो है जुबिलेंट फूड वो अपने सप्लाई जोन के पास है। तो अगर यहाँ पर कोई भी हमें बेयरिश कैंडल मिलेगा तो हम इसको सेल कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारा जो टारगेट होगा इसके सपोर्ट रीजन जो है उसके आसपास होगा। तो ये रीजन है जो कि डिमांड रीजन है 465 का, 460 का। और बाय कब करेंगे, जब ये स्टॉक्स यहाँ पर एक शानदार बुलिश कैंडल के साथ इस लेवल को, इस जोन को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज कर दे तो हम इसको बाय करेंगे। और यहाँ पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट होना चाहिए, जब अच्छे वॉल्यूम के साथ इस जोन को ब्रेक करेगा तो हम इस स्टॉक्स को बाय करेंगे। अगर बात करें मोमेंटम का, तो अभी जो स्टॉक में मोमेंटम है, करेंट मोमेंटम वो अब बाढ़ है, यहाँ लगातार ग्रीन कैंडल बन रहा है, मतलब स्टॉक का जो मोमेंटम है वो अब बाढ़ है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है डाउन ट्रेंड के बाद। वही अगर पैटर्न की बात करें, कोई पैटर्न है तो देखिए यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है अभी रिसेंट टाइम में, तो अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस सप्लाई जोन और इस ट्रेंड लाइन को मिला दें तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब यहाँ जो ये स्विंग है स्टॉक का वो लगातार सिकुड़ रहा है। सिकुड़ने के बाद जैसे ही एक्सपेंड होगा, अगर ऊपर एक्सपेंड होता है, इस जोन को ब्रेक करके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो हम इस स्टॉक्स को बाय करेंगे, मतलब इसमें बुलिश हो जाएंगे। यहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट काफी इंपॉर्टेंट होगा कि निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी बुलिश है या बेयरिश है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स तब निकल के आया वो है 600 ऊपर का लेवल, जो कि ये सप्लाई जोन है। 600 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू होता है, क्लोजिंग होता है डेली बेसिस पर, तो स्टॉक बुलिश होगा। फिर वहीं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये स्टॉक यहाँ सपोर्ट रीजन 460 रुपीज तक आ सकता है, अगर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है। तो ओवरऑल ये एनालिसिस था जुबिलेंट फूड में हमारा। तो उम्मीद करते हैं ये एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।